दोस्तों स्वागत है आपका ठाकुर ब्लॉग में। आज हम लोग आए हुए हैं गाड़ियों का मेला आपको दिखाने के लिए, यानी ऑटो एक्सपो में। हम लोग ट्रैवल के लिए यूज करते ही हैं गाड़ी का, चाहे वो फोर व्हीलर हो या टू व्हीलर हो। तो हम लोग ने सोचा क्यों ना आज आपको यूथ का जो फेवरेट गाड़ियाँ हैं वो आपको दिखाया जाए। तो लेते चलते हैं अब आपको अंदर और दिखाते हैं। स्पोर्ट्स बाइक यहाँ पर लगा हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब सर से जानते हैं होंडा के स्पोर्ट्स बाइक का कुछ एडिशनल फीचर, जो मेन फीचर है। आपका सीवी 300 है, जो कि आपका ये बिग विंग शोरूम पे अवेलेबल है, आपका HB कोकर पे, HB रोड कोकर, ठीक है। ये आपका पूरा डिजिटल मीटर के साथ में है। इसमें आपका इंडिकेटर आपका साइन करता है कि आपका कितनी गाड़ी गियर पे गाड़ी चल रही है, ठीक है ना। इसमें डुअल चैनल ABS है, ठीक है। बाकी ये आपका लुकिंग वाइज आप देखा जाए तो थोड़ा सा स्पॉटी लुक है, और प्लस ये आपका हॉर्नेट का कंपेयरिंग में आता है, ठीक है। और सर ये गाड़ी माइलेज क्या क्लेम करती है? हाँ, 35 to 40 इन टाउन। और हाईवे पे 40 प्लस जी। और रेंज सर क्या है गाड़ी का, प्राइस मतलब? प्राइस आपका 2,64,000 समथिंग था, ठीक है। तो अभी स्पेशल डिस्काउंट है कि अगर आप गाड़ी आप इंटरेस्टेड है गाड़ी लेने के लिए तो आपका स्पेशल डिस्काउंट है 60,000। तो अभी आपको 2,03,000 के आसपास में आपको गाड़ी हैंड ओवर हो जाएगा ऑन रोड प्राइस। ये गाड़ी पे फाइनेंस भी अवेलेबल है? जी, फाइनेंस दोनों अवेलेबल है। जीरो डाउन पेमेंट है, एक्सचेंज ऑफर है। अगर आपके पास पुराना व्हीकल्स है तो उसको एक्सचेंज करके आप नया गाड़ी देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार गाड़ी सर, एक बार आप इसका टेस्ट ड्राइव कर लीजिएगा ना, तो बहुत ही बेहतरीन है, लॉन्ग टूर के लिए बेस्ट है सर। जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, गाड़ी थोड़ी हेवी है, चलाने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। राइड सबसे मज़ेदार चीज़ है कि जो आपका इंट्रैक्शन, जो कस्टमर का जो इंडिकेशन जो होता है, आज मुझे लगता है जो आपके जो आपका USD फॉर्क है, ये सबसे बेस्ट है सर। अगर आप राइड कर रहे हैं और आगे से अगर कोई भी अगर आपको बंदा देख रहा है गाड़ी चला रहा है, तो उसके सबसे ज़्यादा फोकस यही है आपको USD फॉर्क। स्पीड लिमिट? स्पीड लिमिट आपका है, इसका पता नहीं है सर, अभी तक तो हम चलाए नहीं सर गाड़ी को, इसलिए हमको उतना पता नहीं है, लेकिन 100+ है, ठीक है। क्योंकि 300 सेगमेंट पे आ रहा है तो 150 तक के आसपास। अभी जो आप बाइक देख रहे हैं ये होंडा की CB350 मॉडल है, जो कि बुलेट के कंपटीटर में उतारी गई है। आइए सर से जानते हैं कुछ इस बाइक की हाइलाइटेड फीचर्स के बारे में। जी सर, ये बाइक का नाम हो गया CB350, ठीक है। इसमें आपका हाईनेस है, CB300 हाईनेस, ठीक है। इसमें आपका डिफरेंट कलर आता है, इसमें 4-5 कलर आता है हमारे यहाँ, जो कि आपको शोरूम पे विजिट करने पे ही दिखेगा सर, क्योंकि ये तो डिस्प्ले है, तो अभी हम सारा कलर तो हम अभी नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन इसमें खास बात है सर कि ये आपका जो बुलेट आप लोग चलाए होंगे, बुलेट तो ऑल ओवर इंडिया पे चल ही रहा है, उसी का कंपेरिजन पे सर होंडा ने चूज़ किया कि हमारा भी होंडा होना चाहिए बुलेट, ठीक है। तो वही है सर, उसके कंपैरिजन पे आपका हाईनेस 350 है। कंपनी आपको ऑन डाउन आपको 35 to 40 का एवरेज पे देगा, ठीक है। इसका प्राइस ऑन रोड आपका आ जाएगा। इसमें आपका दो वेरिएंट आता है सर, एक डिलक्स आता है, डिलक्स प्रो प्रोटोन आता है, ठीक है। इसमें ऑन रोड आपका 2,34,852 रुपये आएगा, ठीक है, ऑन रोड। और एक आपका डिलक्स प्रो डुअल टोन का जो बात कर रहे थे, उसमें आपका 2,40,411 रुपये है सर ऑन रोड, जिसमें 1+5 का इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन 15 साल के लिए सर। सर इसका माइलेज आपका 35 to 40 का लमसम है सर, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों सुजुकी के स्टॉल में आ गए हैं। अब आपको सुजुकी का जो नया लॉन्च हुआ है, जो यूथ जिसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं स्कूटी को, वो आपको अब दिखाते हैं और सर से जानते हैं तो कुछ एडिशनल फीचर्स, अब प्राइस और माइलेज क्या है। मनोज कुमार बोल रहा हूँ, सीताराम सुजुकी से, ठीक है ना। तो ये हमारी न्यू लॉन्च हुई है सर एवेनीज, ठीक है, इसी साल फरवरी में लॉन्च हुई है, जो बहुत ही खूबसूरत कलर के साथ हमारा 5 कलर में ये आपको मिल जाएगी सर, ठीक है। इसमें जो हमारा एडिशनल फीचर्स जो है, ये हमारी डिजिटल मीटर के साथ है सर, ये हमारी डिजिटल मीटर, ये हमारी इसमें जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ है, जो किसी का व्हाट्सएप मैसेज वगैरह कॉल वगैरह आती है ना, मम्मी पापा फ्रेंड वगैरह का, तो इसमें शो करता है, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि हमें उनसे बात करनी है तो आप साइड में रुक के बात कर सकते हैं, ठीक है। प्लस ये हमारा फ्रंट पॉकेट दी हुई है, जो फ्रंट पॉकेट में आप ये जितना भी बड़ा एंड्रॉयड मोबाइल हो उसमें आप रख सकते हैं। प्लस ये हमारा चार्जिंग पॉइंट दी हुई है,
ठीक है, इसमें आप रख के चार्ज भी कर सकते हो मोबाइल, गाड़ी भी चल रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें माइलेज आपको दे रही है 55 की माइलेज, जो कि कोई भी कंपनी आपको 125 सीसी में इतनी माइलेज नहीं दे पाती है जो हमारी सुजुकी की एवनिज में दे रही है। ठीक है, ये हमारा 5.2 लीटर की फ्यूल टैंक है सर। ठीक है, और ये हमारे जो बूट स्पेस है प्लस हमारा तो इसमें हमारा काफ़ी बड़ी है सर, जो कि आप इसमें एक हेलमेट अगर रख सकते हैं ना तो उसमें बहुत सारी इसमें जगह भी बच जाती है, जो कुछ भी सामान वगैरह और एक्स्ट्रा आप रख सकते हैं इसमें। और सर इसका माइलेज क्या? माइलेज हमारा 55 की है सर। और क्या प्राइस है सर इस गाड़ी का? प्राइस हमारा हो गया 1 लाख, ये हमारा एवनिज हो गया 1,08,374, इसमें सारा इंक्लूड है सर, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, इंजन वारंटी। ये हमारी बहुत ही खूबसूरत कलर 5 कलर में अवेलेबल है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ। ठीक है, इसमें एक बार थोड़ा फीचर दिखा देते हैं, आप कस्टमर को दिखा सकते हैं। इसमें पहले आपका डिजिटल कंसर्ट दिया हुआ है सर, इसमें आपका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का मतलब होता है कि आपका इनकमिंग कॉल, SMS वगैरह सब आपका डिस्प्ले पर शो हो जाएगा। सेकंड बेनिफिट होता है आपका, इसमें नेविगेशन शो करता है। बात करते हैं सर गाड़ी के लिए, तो ये मैक्सिस स्कूटर है, इंडिया में इस तरीके का पहला लॉन्चिंग है इसका। आपका 650 cc में भी आता है, वो थाईलैंड में ही चलता है केवल। आपका ये वाला कितना सीसी का है सर? सुजुकी में सब 125 cc ही आता है। इंजन की बात करते हैं, 4-stroke इंजन है, टेक्नोलॉजी जापानी टेक्नोलॉजी है। बात करते हैं सर माइलेज की, तो कंपनी क्लेम 64 है, बट अगर इन टाउन में देखा जाए तो 48-50 कस्टमर को मिल रहा है फीडबैक। यूथ को स्कूटी क्या पसंद आ रही है? किसको सर? यूथ डिमांडिंग है ना सर, डिमांडिंग इस गाड़ी का भी इतना हुआ है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस गाड़ी में जो आपको बेनिफिट मिलता है ना, फैसिलिटी मिलती है, वो अदर गाड़ी में नहीं मिलेगा। हम आपको स्टार्टिंग में बोले थे कि ये मैक्सी स्कूटर है इंडिया में इस तरीके का, इसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं। और क्या प्राइस रेंज है सर? प्राइस सर अभी ऑन रोड प्राइस पड़ रहा है आपका 1,12,126 रुपये ऑन रोड। ऑन रोड में आपका रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, EW सब चीज़ इंक्लूड रहता है, उसको बोलते हैं ऑन रोड। और ऑप्शनल जो हो गया एक्सेसरीज आपका ऑप्शनल रख सकता है, आप जो आपका नीड है वो भी लगवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर पे दबाव नहीं देना या प्रेशर नहीं डालना कि आपको कंप्लीट एक्सेसरीज देना। और सर इतनी कम कीमत पे इतना अच्छा गाड़ी मिलना आज के समय बहुत मुश्किल है। कंफर्ट के लिए हम बोले थे सर, कंफर्ट जैसा आप चलाते हैं ना, तो पैर आप दोनों ऊपर यूज़ कर सकते हैं कम्फर्ट लॉन्ग टूर के लिए। जैसा आपको अगर 20-30 किलोमीटर जाना होगा ना, या 40-60-70-80, तो एक टाइम में क्या होता है कि ये पेन करने लग जाता है, घटना होता है। बट इस गाड़ी में इतना कम्फर्ट है, इसमें ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। जो भी गाड़ी है ना सर, इस गाड़ी का नाम हो गया आपका बर्गमैन स्ट्रीट राइड कनेक्ट एडिशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ है। अब दोस्तों हम लोग TVS के स्टॉल पे आ गए हैं, और आप जो मेरे सामने ये बाइक देख रहे हैं, ये TVS का रॉनिन है, जो कि 225 cc का है। ये जो बाइक है ये बुलेट के कंपटीटर में इसको भी उतारा गया है, और ये बाइक लॉन्च हुआ है 26 जुलाई 2022 को। और कुछ एडिशनल फीचर्स, जो नया जो हाईलाइटेड फीचर्स है, वो जानते हैं सर से। यहाँ प्रभात खबर के एक्सपो मेले में हम लोग अपने काउंटर को लेकर आए हैं। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ TVS रोनिन के बारे में। ये 26 जुलाई 2022 को TVS ने इसको लॉन्च किया। इसका USP है हमारा अनस्क्रिप्टेड बाइक, इसका कोई स्क्रिप्ट पहले से नहीं था। जितना भी फीचर्स को ऐड करना था सारा फीचर्स में ऐड किया गया है। आप लुक बाइक अगर देखेंगे, अगर इसका फ्रंट लुक अगर देखते हैं, तो इसमें टीप रेसिया का आपका LED बल्ब दिया हुआ है। ये हमारा अपना TVS का लोगो भी है, और लुक वाइज भी बहुत ही अट्रैक्टिव बनाता है। अप डाउन साइड आपका सस्पेंशन दिया हुआ है, ये काइवा का सस्पेंशन है, जो सस्पेंशन के क्षेत्र में नंबर वन है। अब अगर इसका डिस्क ब्रेक का अगर बात करेंगे, तो 300 mm रेडियस का आपका डिस्क ब्रेक ABS के साथ दिया गया है। ये डुअल चैनल ABS में आपको मिलेगा। अब साइड की अगर बात करते हैं, तो साइड में आपको जैसे आप इसका चैन कवर वगैरह दे रहे थे, ये सब स्टाइल को बढ़ाने के लिए दिया गया, चैन कवर का रिक्वायरमेंट था नहीं। आप अगर पीछे का देखेंगे इसका लाइट, तो ये भी LED दिया है। पूरा गाड़ी में आपको कहीं भी एक बल्ब का इस्तेमाल नहीं किया गया, सारा LED लाइट दिया गया है। इसका मीटर भी देखेंगे, ये सिमेट्रिक मीटर है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में। ठीक है, ये सिमेट्रिक मीटर है, जो बहुत काफ़ी स्पोर्ट्स बाइक में आता है, ये आपको मिलेगा। सर इसका प्राइस? इसका प्राइस 1,49,000 रुपया है, ये लॉन्चिंग के साथ यही प्राइस है अभी। और सर माइलेज सर ये क्या क्लेम करता है? माइलेज आपको 40-45 देगा ट्रैफिक में। ठीक है, थैंक यू। अब सर अब दोस्तों कुछ एडिशनल फीचर जानते हैं सर से इस बाइक के बारे में। ये है हमारा RR 310,
TVS स्पोर्ट्स रेसिंग बाइक, ये आप मार्केट में कंपैरिजन कर सकते हैं BMW के साथ में, क्योंकि BMW की भी गाड़ी मैन्युफैक्चर TVS ही कर रही है और इस गाड़ी को भी आप TVS बना रही है। इसमें क्या है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी मॉडर्न फीचर्स है, आप इसका अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो इसमें प्रोजेक्टर LED हेडलाइट है, आपको ये प्रोजेक्टर हेडलाइट आपको बहुत ही महंगी गाड़ियों में मिलती है। इसके अलावा आप एक सीटिंग पोस्चर देखेंगे तो पूरा ग्रिप ऐसा बनता है कि आपको 0 to 60 2.5 सेकंड में चली जाती है, 0 to 60, और 4 सेकंड में 100 का स्पीड पकड़ लेती है। हाई स्पीड के लिए सबसे बेस्ट बाइक है और इसका ग्रिप भी काफ़ी अच्छा है। सर, यूथ प्रो लेटर के रेट है इस बाइक? हाँ, वनट बहुत लोग इसको पसंद कर रहे हैं और इसका दाम भी काफ़ी कम है, आपको एक शोरूम 2,65,000 में आ जा रहा है गाड़ी। और अभी सर यूथ को लेकर क्या डिमांड इस गाड़ी की आ रही है? एक्चुअली क्या है कि इस गाड़ी को चलाने के लिए भी लोग एक दिन का छुट्टी ले रहे हैं, गाड़ी का ड्राइव का मजा लेने के लिए, इतना मजा आता है गाड़ी को चलाने में। और इस गाड़ी में सर जैसे ट्रैवल के शॉर्टिंग के यूथ हैं तो सर इसके लिए क्या रोड कंडीशन भी हमारे हिसाब से अच्छी चाहिए? जैसे स्पोर्ट्स बाइक है तो ये आप रोड ऑन रोड के लिए, ऑफ रोड के लिए गाड़ी नहीं है, तो अगर टेस्ट राइड का अगर मजा लेना चाहते हैं इस गाड़ी को एक्चुअली इंजॉय करने के लिए लोग लेते हैं, ना कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करने के लिए। प्राइस रेंज और माइलेज के बारे में बताते हैं। देखिए इसका प्राइस आपको 2,65,000 में आएगा ऑन रोड और इसका माइलेज अप्रोक्स आपको 30-35 के लगभग देगा। अब दोस्तों हम BMW के स्टॉल पे आ चुके हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी मेरे पीछे ये BMW की स्पोर्ट्स बाइक ये डिस्प्ले हो रही है। सर से जानते हैं यूथ तो कितना तेज है BMW के स्पोर्ट्स बाइक को लेकर के। हेलो गाइस, मेरा नाम शाहिद और मैं टाइटेनियम मोटर रांची से हूँ। आप जो बाइक देख रही है हमारी G310 सीरीज़ की बाइक है, जिसमें आपकी G310 RR आती है जो कि स्पोर्ट्स कैटेगरी की बाइक है। ये बाइक सब ये तीनों जो कैटेगरी है हमारे पास, जो कि G310 RR है, G310 R है और G310J जो कि एडवेंचर सेगमेंट की बाइक है, तो तीनों डायमेंशन में हमारे पास बाइक अवेलेबल है। आप चाहे तो एक स्पोर्ट्स बाइक ले सकते हो, आप चाहे तो एक नेकेड बाइक ले सकते हो और एक चाहो तो एडवेंचर बाइक ले सकते हो, और तीनों अपनी अपनी जगह पर बेस्ट परफॉर्मेंस बाइक से राइड करते हैं। और सर प्राइस से कितना से रेंज से स्टार्ट होती है इस बाइक? सर स्टार्टिंग प्राइस अगर देखें तो हमारे पास सबसे स्टार्टिंग रेंज में G10R आती है, इसमें भी एक ब्लैक कलर आता है जो कम्प्लीट ब्लैक है, वो आपको ऑन रोड आ जाएगी 3 लाख में भी 8,000, ठीक है। उसके बाद इसमें जो कलर देख रहे हैं ये तो जैसे कि मुझे कभी नई कलर आए, वो दो कलर जो अभी आप देखिए वो 3,48,000 में ऑन रोड आ जाएगी आपको। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर आएंगे कलर में, मतलब प्राइस मतलब सेगमेंट वाइज तो 310R से ऊपर आती है 310R। प्राइसिंग है इसका ब्लैक कलर 3,65,000 एंड इसका जो आप ये कलर देख रहे हैं राइट में जो कि एम मोटर स्पोर्ट्स कलर है, ये आपको आ जाएगी 3,82,000 के अप्रॉक्स। सर यूथ का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है सर राइट स्पोर्ट्स बाइक को लेकर? राइट में अगर बात करें यूथ कैटेगरी जो कि हमारे जो बोलते हैं जेंजी है या फिर हमारे जो 40 BMW तक है रेंज हमारे पास जो बाइक्स की, तो अप टू लाइक 60-65 ईयर्स वाले लोग जो राइडर्स हैं उनके हिसाब से जो बाइक, जैसे अगर किसी को क्रूजर की बाइक में चाहिए तो हमारे पास R18 जो BMW सबसे बड़ी इंजन आती है। इसके बाद अगर स्टार्टिंग रेंज में चाहिए तो कम सीसी में BMW से स्टार्ट करना चाहिए तो 3,10R GS एंड RR। तो जैसे सर आपने बोला कि 60-65 कैटेगरी के लोड जो BMW की बाइक चलाते हैं, तो उससे क्या उनको चलाने में कंफर्टेबल फील होती है? बहुत कंफर्टेबल उससे बाइक से, बहुत ज़्यादा सेफ्टी। स्पोर्ट्स बाइक के बारे में हमें बता रहे हैं? नहीं, हमारे पास सेगमेंट वाइज अगर बात करें सर तो स्पोर्ट्स में भी हमारे पास 310R स्टार्टिंग स्पोर्ट्स की कैटेगरी है, और इसमें अगर ऊपर चले जाएंगे कि मतलब ये और फाइंडिंग हायर सीसी स्पोर्ट्स बाइक, तो हमारे पास S1000RR तक आ जाएगी आपको। और अगर आप उससे भी ऊपर कुछ पुश करना चाहते हैं, लाइक आप ट्रैक ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा आपको अपने करियर बनानी है उसमें उस चीज़ पर कि आप हाई एंड बाइक्स पे और जो मोटर ब्लॉक मतलब ट्रैक जो मोटर, तो सर मोटर ब्लॉकिंग जैसे जो करते हैं तो वो लोग के लिए स्पोर्ट्स बाइक परफेक्ट बाइक है सर? जैसे मोटर कैटेगरी वाइज है सर, वो चीज़ भी कैटेगरी वाइज है। कोई बंदा होगा जिनको मतलब सिटी टू सिटी ट्रैवल करता है, तो मेरे हिसाब से वो बंदा मोर ऑफ GS पे स्विच कर रहा है, क्योंकि वो बहुत कम्फर्टेबल बाइक है। आप उस पर लेह लद्दाख कर सकते हो, आप उस पर नॉर्थ ईस्ट कर सकते हो पूरा एक बार मतलब, और उस बाइक को मतलब जो भी हमारी बाइक्स है उसमें सर्विस इंटरवल है 10,000 किलोमीटर, मतलब पहला सर्विस आपको बस बाइक पर करवानी है 1,000 या 1,000 किलोमीटर या 1 महीने में। वंस यू गेट द सर्विस डन, उसके बाद जो बाइक है आपकी वो 10,000 किलोमीटर पे सर्विस होगी या फिर 1 साल के बाद होगी। तो जो टाइम पीरियड है बीच में आपको बाइक चलाने का, मतलब आपको सर्विस सेंटर पे नहीं जाना है,
आपको कुछ ऐसा मतलब मेजर नहीं आता है, आप बस गाड़ी को वॉश करो, क्लीन करो एंड देन चेन क्लीन करके आप स्प्रे कर दो, उस पर थोड़ा सा क्लीन करा दो एंड 10,000 किलोमीटर आप बाइक देना सर्विसिंग दे। सर माइलेज क्या देखिए और सर मेंटेनेंस के बारे में थोड़ा बता। देखो मेंटेनेंस मैंने बताया कि पहली सर्विस 1,000 किलोमीटर एक महीने में, उसके बाद सारी सर्विस के इंटरवल जो होगी वो 10,000 किलोमीटर एंड एक साल का होगा। मतलब से सपोज आज आपने बाइक ली होगी, अगले महीने इसी डेट के आसपास आपका सर्विस मिलेगा या 1,000 किलोमीटर आपकी बाइक की एंड देन आपकी मतलब मार्च में जो फर्स्ट सर्विस है तो अब 2023 से लेकर 2024 मार्च को आपको बाइक को आके सर्विस करवाएंगे, फिर 25th में आके आप करवाएंगे, तो ईयर वाइज वैसा है। और अगर आप बात करें कि सर माइलेज, माइलेज की बात करें तो जो रनिंग कॉस्ट है वो तो मतलब काफ़ी कम आता है। जैसे अगर आप बहुत वैसे ड्राइवर हो जो बहुत पुश नहीं करते हर समय बाइक को, आप बहुत काम ड्राइव करते हो, 60-100 रेंज के आप उस बीच में चलाते हैं और बहुत आराम से चलते हो, तो आपको जो बाइक माइलेज देगी दैट इज़ लाइक 32-35 डिपेंडिंग कि आप ट्रैफिक में हो या फिर फ्री रोड पे। और अगर आप थोड़ा सा रफ चलते हो जैसे 120-140 स्पीड चेक कर रहे हो इस टाइप में बाइक अगर चला रहे हो, अगर वो खाली होगा तो आप हटा रहे हो बाइक को, अगर इस हिसाब में देखें तो 27 की माइलेज किलोमीटर पर लीटर की माइलेज आती है। राइट नाउ ये बाइक जो हमारी डेमो बाइक है, डेमो बाइक जो है ये 27 की माइलेज देगी। डिस्प्ले ऑन करने पर जब आप की ऑन करते हैं तो आपको BMW मोटराट की वहाँ पे वेलकम मैसेज आती है एंड देन राइट नाउ अभी बाइक अभी जो देख रहे हैं आप ये डिस्प्ले आपको दिखा रही है कि आप बाइक आपकी अर्बन मोड पे, तो आप यहाँ से जब बाइक को थोड़ा सा इधर दिखाइए, इस पे आप ऊपर वाले को अगर क्लिक करते तो ये हो गई आपका रेन, मतलब अगर से सपोज इट्स रेनी सीजन एंड इट्स रेनिंग एंड थोड़ा सा मर्ड और उस टाइप की सिचुएशन है तो आप रेन में डाल दो, थोड़ा सा पावर आपका जो है डिलीवरी वो थोड़ा सा कम हो जाए, थ्रॉटल थोड़ा स्मूथ हो जाता है तो गाड़ी उसमें आपको ऑल ऑफ अ सडन स्केट नहीं करेगी। तो ये है, फिर ये आपका हो गया कि स्पोर्ट्स मोड है, स्पोर्ट्स में आपको फुल 34 BHP जो बाइक प्रोड्यूस करती है वो डिलीवर होती है एंड सेम आपको ट्रैक मोड पर आ जाता है। तो ट्रैक पे डिस्प्ले जो अभी आप देख रहे हैं सेम एज स्पोर्ट्स है आपके, बट देन कलर्स का थोड़ा सा डिफरेंस है और इसमें भी सेम आप स्टॉल पे आ गए हैं और आप लोग जानते ही हैं कि युग का कितना तेज है KTM का स्पोर्ट्स बाइक को लेकर के। तो ये वाला जो मेरे सामने जो ये बाइक है ये स्पोर्ट्स बाइक है KTM का RC125cc का, तो भैया से जानते हैं इसका प्राइस और क्या इसका एडिशनल फीचर है जो युग को अट्रैक्शन करता है और ये कितना माइलेज देती है ये गाड़ी। ये RC वर्जन का 125 है जो कि ये RC में सबसे लो मतलब 125 cc, ये सबसे कम cc का है 125 का, ठीक है। इससे आगे जाइएगा तो 200, 250, 390 का आता है। इसका अगर प्राइस करें तो ये ऑन रोड प्राइस है 217,000, ठीक है। और इस ये जो माइलेज देगा ये आपका 35 से 40 के बीच में ये आपको माइलेज देगा, ठीक है। आई कार्ड लेके आ जाना और माइलेज देगा आपका। ये भी लगभग थोड़ा सा डिफरेंट है 5 किलोमीटर का, जैसे कि ये 35 देगा ये, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं देगा। और हम लोग आए यहाँ पे झारखंड में बहुत ज़्यादा क्रेज हो रहा है अभी जो स्पोर्ट बाइक में है ना, स्पोर्ट बाइक आप जो युवा है वो मतलब KTM की तरफ आकर्षित ज़्यादा होते हैं। तो सर हमें सर बताइए सर कॉमन बाइक और सर स्पोर्ट बाइक में क्या डिफरेंस है। कॉमन बाइक तो जैसे कि वो सब रेसिंग वेसिंग के लिए स्टंट के लिए थोड़ा नहीं होता है, तो ये स्पेशली जो KTM है ना ये रेसिंग बाइक है, स्पोर्ट्स रेसिंग बाइक है KTM जो कि कितना ये है ड्यूक 390, ठीक है। ये रॉकेट कॉर्नर है इसका, इसका जो है ना बहुत ही जल्दी ये पिकअप पकड़ता है। और इसका माइलेज की बात करें तो ये माइलेज आपका 25 से 30 के बीच में देगा, ठीक है। इसका ऑन रोड प्राइस
390। इसका माइलेज की बात करें तो ये 25 का माइलेज देगा और इसका ऑन रोड प्राइस है 354,000 रुपया दाम है। अब हम लोग दोस्तों आ चुके हैं बुलेट के स्टॉल पे, तो यूथ का कितना क्रेज है आपको जानते ही हैं बुलेट को लेकर के, तो भैया से आप जानते हैं इस गाड़ी के बारे में, इसका क्या फीचर्स है, कितना प्राइस और क्या माइलेज क्लेम करती है कंपनी। हेलो नमस्कार सर, मेरा नाम सोनू है। सर ये आप जो मॉडल देख रहे हैं ये ठीक है रॉयल इनफील्ड का हंटर मॉडल है जो कि अभी ठीक है ना रिसेंटली लॉन्च हुआ है। अभी का डेट में ये ठीक है मार्केट में बहुत मोस्ट सेलिंग मोटरसाइकिल आपका मतलब कि बन चुका है। इसमें क्या है कि सर इसका सबसे तो हम आएंगे इसके वेट में, इसका वेट सबसे लाइट वेट अभी रॉयल इनफील्ड के सेगमेंट में सबसे लाइट वेट ये आपका मोटरसाइकिल है। इसका इंजन भी आपका लाइट वेटेड है। बाकी इसमें सर आप ये आएंगे कि देखिए इसमें आपका डिजिटल मीटर है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव कर दिया है। डिजिटल मीटर के साथ इसमें आपका ठीक है टाइम शो करेगा, किलोमीटर आपका शो करेगा, प्लस आपको ठीक है सर गियर पैटर्न शो करेगा। बाकी इसमें आइएगा कि इसमें देखिए आपका ठीक है ना सबसे पहला है कि आपका ये ठीक है एलॉय व्हील के साथ है, ट्यूब आगे पीछे दोनों ट्यूबलेस टायर है, ड्यूअल चैनल एबीएस है, ड्यूअल डिस्क है। एबीएस आपका हो गया आजकल के डेट में सबसे आपका सेफ्टी फीचर्स जो कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, ठीक है। बाकी इसमें सर प्राइस में आएंगे तो काफ़ी सर कम प्राइस इसका है कि पहले क्या था कि रॉयल इनफील्ड सबको कम से पसंद था लेकिन सबको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता था ठीक है बजट और वेट में। अभी ठीक है रॉयल इनफील्ड उस चीज़ को पब्लिक को क्या बोलते देखते हुए ये मोटरसाइकिल लॉन्च किया है कम रेट में जो कि इसका स्टार्टिंग प्राइस आपका है 1,74,000 से इसका स्टार्टिंग रेंज है। काफ़ी सर कम रेट है, सारे फीचर्स जो कि आपका क्लासिक में सेम फीचर्स आपको ये हंटर में दिया जा रहा है, प्लस ड्यूअल चैनल एबीएस है, डिजिटल मीटर है। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं मैं हिमालयन के एडवेंचर टूरिंग बाइक पे बैठा हुआ हूँ, इसके बारे में सर से कुछ खासियत जानते हैं और क्या प्राइस है और क्या माइलेज कंपनी क्लेम करती है। सर मैं ये बताना चाहूँगा ये हिमालयन जो है ये प्योरली आपका रॉयल इनफील्ड का एक एडवेंचर टूरिंग बाइक है। रॉयल इनफील्ड का क्या होता है सर, सबसे पहले मैं इसके देखिए हिस्ट्री में आऊँगा कि रॉयल इनफील्ड की एक सर राइड होती है, ये राइड काफ़ी पब्लिक यहाँ पे आते हैं और इसकी जो राइड होती है सर काफ़ी पॉपुलर होती है, कस्टमर यहाँ से गाड़ी लेते हैं, यहाँ से लद्दाख गैंगटॉक सारे तरफ जाते हैं। तो ये बाइक जो है सर स्पेशली आपका ऑफ रोडिंग बाइक है, बल्कि आपको ये शहर पे भी चला सकते हैं बट स्पेशली ये आपका ऑफ रोडिंग बाइक एडवेंचर टूरिंग बाइक। कभी आपको इस बाइक को लेके कभी दोस्त लोग के साथ कभी आपको जाना है लद्दाख सिक्किम तो आप आराम से सर इसको जा सकते हैं, उस हिसाब से इसका शॉकर दिया गया। आएंगे सर इसके फीचर्स में, इसमें भी सर फीचर्स आपका ड्यूअल चैनल एबीएस है, प्लस आपके इसमें मीटर में आएंगे तो इसमें आपका सर स्विचेबल एबीएस है। एबीएस का क्या होता है कि जैसा कभी आप अगर मिट्टी वाले रास्ते में जाते हैं तो इसमें आप अगर एबीएस आपको एबीएस का ज़रूरत अगर नहीं पड़े तो यहाँ पर सर बटन दिया हुआ है, यहाँ से आप एबीएस को बंद कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आपका सर देख रहे हैं ये डायरेक्शन है गाड़ी आपके किस डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट वो आपको शो करेगा। यहाँ पे आपका सर ट्रिप मीटर है, डिजिटल मीटर है, प्लस यहाँ पे आपका गियर पैटर्न शो करेगा, आपको टेम्परेचर यहाँ पे ठीक है शो करेगा क्या है, प्लस इसमें सर हैजार्ड लाइट है, हाईवे में गाड़ी जा रहे हैं चला रहे हैं इसको किए ये आपका देखिए हैजार्ड लाइट आपको क्या बोलते हैं ओपन हो गया। जहाँ तक सर इसके प्राइस में आएंगे इसमें सर ठीक है कलर पे प्राइस है 2,55,000 से इसका सर स्टार्टिंग है और 2,70,000 तक है। आप जो कलर पे जो बैठे हुए हैं इस कलर का नाम है सर ग्रेवल ग्रे, इसका आपका सर ऑन रोड प्राइस है 2,53,000। अब हम लोग दोस्तों जावा के स्टॉल पे आ गए हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं और ये जावा का ये बाइक ये लॉन्च हुआ है नया, तो सर से जानते हैं इस बाइक का कुछ एडिशनल फीचर्स और क्या प्राइस है और क्या माइलेज है इस बाइक का। सर ये जावा रिसेंटली लॉन्च हुई है, जावा 42 पावर और आप इसमें 6 CP मैनुअल गियर के साथ आती है, लिक्विड कूल इंजन है, डुअल एग्जॉस्ट आएगा और आप कंप्लीट डिजिटल कंसोल रहेगी, डिजिटल LED लाइट रहेगा और पार्किंग लाइट जैसे कि आप इसका लुक देख सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट यूनिक दिया हुआ है। इसका ऑन रोड प्राइस आएगा 250 ऑन रोड से रांची पढ़ाई। Thank you.
स्टॉल पे आ गए हैं। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यामा R15 डिस्प्ले में लगी हुई है, ये एक स्पोर्ट्स बाइक है। मैम से जानते हैं कि अभी यूथ का कितना क्रेज़ है स्पोर्ट्स बाइक को लेकर के, और कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है यामा R15 सब को लेकर के, और क्या माइलेज है और प्राइस रेट क्या है मैम? यामाहा में हमारा ये स्पोर्ट्स बाइक है, इसका प्राइस आपका 218 है। R1 में प्राइस जो है वो आपके कलर के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपका 155cc का है, इसका माइलेज आपका 45-50 है। अगर आप हाईवे में चलेंगे भी आपको 50 प्लस का एवरेज देगा। इसमें आपका डुअल डिस्क है और डुअल चैनल ABS है। इसमें आपका डिजिटल स्क्रीन है और ब्लूटूथ भी कनेक्टेड है इसमें। ये आपका 155cc का है और इसमें आपका जो सोकर है वो गोल्डन कलर का दिया है और डाउन अप सोकर करके दिया है ये। तो इसका प्राइस आपका तो बता ही दिए ना। अभी हम लोग दोस्तों डेल्टिक के स्टॉल पे आ चुके हैं, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ये वाला स्टॉल है। यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पर स्कूटी लगी हुई है जो कि इलेक्ट्रिक में है। अब सर से जानते हैं कि क्या प्राइसेस है और कितना माइलेज क्लेम करती है और कुछ फीचर्स के बारे में। देखिए सर, ये डेल्टिक हमारी 2016 की इलेक्ट्रिक कंपनी है। पहले हम लोग थ्री व्हीलर से आए थे, हम टू व्हीलर में भी हमको 4 साल हो गया काम करते करते। अभी हमारे पास 3 लो स्पीड मॉडल हैं, 2 हाई स्पीड मॉडल हैं। लो स्पीड मीन्स कि ये 25 की स्पीड चलती है सर। इसमें ना रजिस्ट्रेशन का जरूरत है, ना लाइसेंस का जरूरत है। सेफ्टी पर्पज़ हेलमेट और हमको इंश्योरेंस की जरूरत है गाड़ी पर। तो हमारा ये जो लीजन मॉडल देख रहे हैं, ये अभी हमारा बेस्ट सेलिंग मॉडल है। ये लो स्पीड में है, इसको यूज़ बहुत पसंद करता है। इसलिए ये सामने से आप एक बार देखेंगे, ये स्पोर्टी लुक में है और लाइसेंस की जरूरत नहीं है, तो लोग कम्फर्ट जोन में भी आराम से इसको चलाते हैं। अभी हमने 2 मॉडल न्यू लॉन्च किया है, ये हीटेड है, ये भी लो स्पीड मॉडल है। इसमें भी आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है और ना रजिस्ट्रेशन का जरूरत है। इंश्योरेंस कराइए और हेलमेट सेफ्टी पर्पज़ से आप इसको। तो सर, हम ये सब गाड़ी अगर परचेज करते हैं तो सर हमें लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़नी है? लो स्पीड में आपको लाइसेंस की जरूरत है। लो स्पीड का मैक्सिमम कितना? 25। उसमें बस आपको हेलमेट की जरूरत होगी और इंश्योरेंस सेफ्टी पर्पज़ से। सर, आप गाड़ी चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो सर आपको रिपेयर कॉस्ट बचेगा। इंश्योरेंस का जो फीचर होता है सर, गाड़ी की माइलेज ये देखिए, हमारी जो गाड़ियाँ हैं ना वो लेड एसिड बैटरी में भी अवेलेबल है और लिथियम में भी, मतलब एक ही गाड़ी में दोनों की वाइरेंटी होगी। अगर किसी कस्टमर का बजट कम है, किसी गाड़ी को हम लेड एसिड में बना लेंगे तो ये 70+ की माइलेज हो जाएगी, और इसको लिथियम में जब हम लेके आएंगे तो ये 90+ की माइलेज हो जाएगी। तो एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में कुछ आपको बता दूँ कि बैटरी साइज डिपेंड करता है आपके माइलेज पर। आप कितने पावर का, कितना एज का बैटरी यूज़ कर रहे हो। हम जितना एज बढ़ाते जाएंगे बैटरी मतलब माइलेज बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल और सर पेट्रोल में क्या डिफरेंसेस है, उसके बारे में बता दीजिए। उस व्हीकल में, पेट्रोल की व्हीकल में और इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या डिफरेंस? देखिए एक्चुअली क्या है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो अभी मार्केट में अवेलेबल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जितना लाइट हो जाए, एक्चुअली क्या होता है ना, मोटर और कंट्रोलर और बैटरी, ये 3 मेजर चीज़ होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल। मोटर पे आप जितना प्रेशर डालोगे, मोटर जितना वर्क करेगा, बैटरी जितना फ्यूल, जैसे हमारा पेट्रोल हो गया, इसका बैटरी हो गया फ्यूल, जहाँ से इसको पावर मिल रहा है हर चीज़ करने के लिए। तो मोटर जितना वर्क करेगा, जितना पावर उसको आप मतलब जितना मेहनत, हम अपनी लोकल लैंग्वेज में समझाते हैं, जितना मेहनत करोगे तो भूख ज़्यादा लगेगी, वो बैटरी उतना जल्दी एब्जॉर्ब करेगा। इसको जितना सॉफ्ट हैंड चलाएंगे, जितना मतलब बोलते हैं ना प्यार से जितनी गाड़ी को चलाएंगे, उतना माइलेज बहुत अच्छा मिलेगा। और सर, क्या प्राइस से स्टार्टिंग होती है? देखिए हमारी गाड़ी जो है ना, वो एक्चुअली हमारे पास जो है 69 से लेके 1,49,000 तक की गाड़ी है। और सर, इसमें CC भी आता है कितनी? नहीं, CC नहीं, एक्चुअली मोटर पावर और बैटरी है। तो सर, मोटर पावर कितनी है, बैटरी पावर कितनी? देखिए 250 वाट से मोटर स्टार्ट होता है, हमारे पास 3000 वाट तक का मोटर है। जैसे हाई स्पीड है तो पावरफुल मोटर रहेगा, बैटरी उससे ज़्यादा चाहिए, तभी तो हाई स्पीड में चलती है। और सर, पेट्रोल बैटरी मेंटेनेंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल मेंटेनेंस? इसको हम लोग 0 मेंटेनेंस गाड़ी बोलते हैं। एक्चुअली देखिए, आप सर्विस सेंटर में जाएंगे तो लोग क्या देखेंगे, जस्ट मूवेबल पार्ट आपका, जैसे जो बैरिंग है या बैटरी पोजीशन क्या है, वायरिंग की पोजीशन क्या है, उसको चेक करेंगे। उसके लिए आपको मेंटेनेंस का तो बहुत कुछ देना नहीं, आपका बस लेबर कॉस्ट जितना है 200 रुपये एक हफ्ता जितना। तो सर, क्या सर गाड़ी अट्रैक्ट कर रही है? यूथ तो कर रही है। एक्चुअली देखिए, यूथ जो भी है वो गाड़ी, अभी जो मानिए स्टूडेंट है,
वो तो गाड़ी अपने फादर के थ्रू ही परचेज करेंगे। और जहाँ मतलब गार्जियन लेवल का एक कॉन्सेप्ट पता हो गया कि देखिए अगर मैं अपने बच्चे को, मैं एज ए फादर एग्जांपल लेता हूँ कि मैं अगर अपने बच्चे को एक पेट्रोल गाड़ी खरीद लेता हूँ और एक इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद लेता हूँ, तो दोनों का रीज़न मैं बताता हूँ। मैं अगर पेट्रोल गाड़ी खरीद लेता हूँ, मैं एज अ फादर एज अ गार्जियन होता तो मेरे को पर डे 100-200 रुपये का पेट्रोल का कॉस्ट देना पड़ेगा। बट मैंने एक बार अगर इलेक्ट्रिक में इन्वेस्ट कर दिया तो मतलब 3 साल का बैटरी का लाइफ, वारंटी 3 साल की है बैटरी की, बैटरी लाइफ 5 साल की होती है, तो मैं 5 साल तक टेंशन फ्री होकर मेरे को एक एडिशनल कॉस्ट तो पर डे का नहीं देना ना बच्चे को। और दूसरा सेफ्टी पर्पस भी है, लो स्पीड गाड़ी दे देता हूँ तो उसमें 25 की स्पीड जानी है, तो मतलब ना बहुत स्पीड है ना फ्यूल एक्सपेंसेस है, तो मेरे हिसाब से मेरे पॉकेट साइज मेरे को इकोनॉमिकल भी रेस्ट है और बच्चे का सेफ्टी पर्पस भी मेरे को, तो मैं अगर एज अ गार्जियन मैं सजेस्ट करूँ तो इलेक्ट्रिक व्हीकल। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आप लोग कैसा लगा आप लोग को आज का ब्लॉग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।